नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में बनाइए या किसी लेडीज प्रोजेक्ट में बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम इसी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो हमने पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है, तो हम सारे फंदे सीधे ही बुन लेंगे। पहली लाइन में भी सभी फंदे सीधे और दूसरी लाइन में भी सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो हमने दो लाइन सीधा सीधा बुन लिया। अब हम अपना सेकेंडरी कलर लगाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद दूसरे कलर के ऊन से तीन फंदा सीधा बुनेंगे। तीन फंदा सीधा बुना, नेक्स्ट फंदे को स्लिप किया, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो और तीन, तीन फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। तो तीन फंदा सीधा बनते हुए चौथे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तीन फंदे को सीधा बुनते हुए चौथे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लिया, बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लिया। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लिया, बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लिया। बुने हुए फंदे को उल्टा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सामने की तरफ हैं और ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है, तो अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। पांचवी लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और हम वापस सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। तो हमने छठी लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब ये डिज़ाइन का सातवां लाइन है और सामने से, तो अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से हम दो फंदा सीधा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। देखिए ये चौथा फंदा जो है वो तीन फंदों के बीच का है, और देखिए तीन फंदे जो हमने हमें सीधा बुनने हैं, ये देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इसको और इसके दोनों साइड वाले फंदों को हमें सीधा बुनना है।
बुने हुए तीन फंदों में से ये बीच का फंदा हमें स्लिप करना है। अगले तीन फंदे सीधे, नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है। देखिए ये ब्रिक जैसा डिजाइन बन रहा है। अगले तीन फंदे सीधे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है। अगला तीन फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है। तीन फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है। लास्ट में दो फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। अब फिर यहाँ से हम अपना पहला लाइन शुरू करेंगे, यानी प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे। और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। फिर अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और तीन फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर अगले तीन फंदे सीधे। नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगले तीन फंदे सीधे। तीन फंदे को सीधा बुनना है और चौथे फंदे को स्लिप कर लेना है। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। बुने हुए फंदे को उल्टा और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद बेहद खूबसूरत लगेगा। ये ब्यूटीफुल सा ब्रिक डिज़ाइन, आप इसे बनाइए। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान और बनने के बाद बेहद खूबसूरत। तो देखिए फ्रेंड्स, आठ लाइन का ये खूबसूरत सा ब्रिक डिजाइन है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। बनाने में आसान और बेहद खूबसूरत। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।